है या हेल्दी इवेंट है। इन एडिशन टू दिस, ये सबसे बड़ा इस सेंस में इवेंट है कि ये रेवेन्यू भी जनरेट करता है। अगर आप देखें तो ये ना सिर्फ शो के लोगों के लिए लेकिन एक अच्छा सा बिजनेस भी है, फॉरेन जो है वो एक्सचेंज के हिसाब से भी। हबीब साहब इसको और डॉक्टर फरहान हैं और बाकी लोग हैं, मोहम्मद अमीन साहब हैं, ये सब लोग इसके रूनमा हैं और उन्होंने दिन रात मेहनत की है। मैं इसका विटनेस हूँ, लास्ट 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ और जिस स्पीड से जा रहे हैं, जिस हिसाब से जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। मुझे दिली खुशी होती है इस सिलसिले में और मैं चाहता हूँ कि ये और भी आगे जाएं। हमारी नेक तमन्नाएं, दुआएं और हमारा साथ इन लोगों के हमेशा साथ रहे। थैंक यू। इस इवेंट में खास बात ये है कि अगर बहुत सारे बच्चे बड़े ये लेकर आए बर्ड, ये एक हेल्दी इवेंट हुआ हमारे हिसाब से, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं और अपने बर्ड्स को लेकर आ रहे हैं फॉर द शो पर्पजेस, फॉर द प्राइस पर्पजेस, एंड टीम भी हैं, इसके अलावा अनटीम है। अच्छा, अब इस शो के अब पूरे सिनेरियो पे जाएं अगर हम, तो हम ये देखने में हैं, बहुत कहना गलत नहीं होगा कि बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है कराची वालों के लिए, कराची से बाहर वालों के लिए फॉर द बर्ड का, और बहुत आउटस्टैंडिंग इवेंट रहा, बहुत अच्छा इवेंट रहा। 2 दिन बहुत बिजी रहे, बहुत बर्ज, बहुत लोग, बहुत रश, बहुत मजा आया और इंशाल्लाह होपफुली वी विल डू मच बेटर इन फ्यूचर। शो आज का जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुंचा है और काफी सारे लोगों ने बैन किया है जो कि अभी अनाउंसमेंट होंगी। मेरे ओपिनियन ये है कि आज का शो बहुत बेहतरीन रहा है, काफी कुछ सीखने को मिला मुझे पर्सनली भी, कुछ बर्ड्स मेरे भी बैन किए हैं और बहुत सारे लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला है। कॉकटेल्स की कैटेगरी में मेरे बर्ड्स बैन किए हैं और अभी इस वक्त जो है वो पिजन्स का और डब्स का जो है वो इंस्पेक्शन चल रही है। ओवर टू अमीन भाई, थैंक यू। शो माशाल्लाह बहुत अच्छा था और मैं समझता हूँ कि सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आई इन फ्यूचर में समझता हूँ जिस तरह हमारी एंट्रीज अगर ज़्यादा होंगी तो और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा प्लेटफॉर्म ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है बर्ड्स को एग्जीबिट करने के लिए और तमाम ग्राउंड बर्ड से लेकर एग्जीबिशन एग्जॉटिक बर्ड्स के लिए एक फ्लावरिंग जॉब है। और मैं कहता हूँ इसका चेहरा पाकिस्तान एग्रीकल्चर फाउंडेशन को जाता है, उसकी टीम को जाता है, उसके मेंबर्स को जाता है, उसके फाउंडर्स को जाता है, उसके पार्टनरशिप मेंबर्स को जाता है। एंड होप दैट कि तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।